जी इस वक्त देख सकते हैं जो काफला है वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब की तरफ रवा दवा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो उम्मीदवार है NA57 समाबिया ताहिर इस वक्त रैली की लीड कर रही है रावलपिंडी से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाइकों में आवाम का एक जमे गफीर यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आपको शेर अफजल मरवत आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, वो भी आए हुए हैं, और इस वक्त आप देख सकते हैं आवाम का एक जमे गफीर इस वक्त इस्लामाबाद प्रेस क्लब की तरफ रवा दवा है, जो कि ये एक पुरअमन एहतजाज है, एक पुरअमन एहतजाज है। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें जोश जुनून देखें आवाम का, ये मोहब्बत है इनका, और ये खुद देख सकते हैं कितने एजिट हैं, मगर फिर भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान जिंदाबाद। तो यहाँ पर आपको लाइव नज़र दिखा रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से शेलिंग आई थिंक शुरू कर दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर जो है समाबिया ताहिर आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, और ये देखिए इनका काफिला जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा काफिला, ये यहाँ पर आपको पीछे तक लोग नज़र आएंगे, ये देखें। We need justice, we need law, because मामी ने भेजे मुझे आज तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे ही झंडे हैं हर तरफ, और इन झंडों के दरमियान में आपको नजर आ रहे होंगे शेर अफजल मरवत। जिस तरफ देखेंगे आपको पब्लिक ही पब्लिक नजर आएगी। इस्लामाबाद की सड़कों पर दफा 144 के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंच गए। शेर अफजल मरवत की बात इस टाइम कोई नहीं सुन रहा, तो गुस्सा चढ़ा हुआ है उन्हें।
गए शर्म वर्मा कौन तमाम तमाम माना अच्छा गाड़ी ना कुछ आके मानी गाड़ी वहाँ तो दुकान के कमिश्नर ने कहा है वो सच है, उसने सिर्फ एक रावलपिंडी के एक चीफ कमिश्नर ने कहा है, बाकी तमाम शहरों और जिलों में यही हालत है हर डिवीजन में। बिलाखिर सच सामने आना शुरू हो जाएगा और जो डकैती के जरिए हमारी सीटें उन्होंने हासिल की है वो सारी की सारी वापस होंगी इंशाल्लाह जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ी एविडेंस है, सबसे बड़ी एविडेंस है, सबसे बड़ी एविडेंस जी। शोएब शाहीन का आपने सुना कि उन्होंने कमिश्नर रावलपिंडी के बयान को कहा है कि हम उसको लीगल प्रोसीडिंग का भी हिस्सा बनाएंगे और ये बहुत बड़ा एतराफ जुर्म है और ये बयान जो है ये गैर मामूली है और ये उनके जो उनका जो स्टांस है उसकी तस्दीक करता है कि बड़े पैमाने पर धांधली की गई है।